राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 10:30 बजे से कर रही हूँ। और अंजी, अरे गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा और ना अभी मैं मम्मी के साथ गोड़ जा रही हूँ। आप तो पाई क्या दोहे? नहीं नहीं तो गलाई लिया। अच्छा, और ना ये तो कुछ नहीं है, था क्या हो जा? ये सूट जो है ना हमारी सिस्टर ने भेजे हमारे लिए अपनी पसंद के, अब ये रखने पड़ेंगे मुझे। बरसे सही है। अच्छा, और गाइज मैंने सूट रख दिए घर पे, अब बाद में देखेंगे उनको। और मम्मी मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मम्मी ने बोला था चलो मैं आपको ना सब्जी दिखाऊंगी। कल जो मैं ब्लॉग में बोल रही थी ना आपको कि हमें वो वाली सब्जी नहीं दिखी, फ्रांस बीन मम्मी, फ्रांस बीन नहीं दिखी थी, तो मम्मी ने बोला लगी तो है, आपने देखी क्यों नहीं? मम्मी जो दूसरी नहीं काल में तोपती रही, मम्मी बोल रहे हैं ना कि थोड़ी सी जो हर सुनी है उसकी अम्मा ने दी थी हमें थोड़ी सी भिंडी ना, और मम्मी बोल रही है थोड़ी सी मैं दे देती हूँ। रोज 4-5 साल पहले की बात है, उस टाइम ना बरसात का ही टाइम था और हमें ना जो तोरी की सब्जी हुई होती है ना वो लगी थी, और एक एक दिन में ना या तीसरे चौथे दिन ना 1-1 किलो निकल जाती थी वो तोरी। मुझे बड़ी अच्छी लगती है तोरी की सब्जी, पर इस बार मम्मी ने लगाई नहीं, मैंने बोला था मम्मी को ये देखो केड़ी केड़ी लगी हूँ, तोड़ ले तो इन्हें जो आही भी ले चलना है। सॉरी इन्हें नहीं, आप जो घी दिख लो जाएंगी थोड़ी बहुत ही दूसरी 5-6 रुपये क्या पता अंदर हो नीचे नीचे। चलो तो तोड़ लेते हैं हम सब्जी। अच्छा स्वाद हुई मम्मी ये सब्जी है ना? हाँ, तो ये तो खरी बड़ी बड़ी इन्हें तोड़ लेता है, बड़ी बड़ी इन्हें तो कुराड़ी नहीं हुई वो बड़ी नहीं जाने की, इससे बड़ी करनी और ये दूसरी नहीं है जिन्हें मैं तोपती रही मुझे तो दूसरी नहीं बेलना जी पता नहीं लगता होगा। हाँ देखे है सारी निकल गई ये थी से 2 दिन तोड़ती मम्मी और पहले दिखूँ। मैंने बोला मुझे ना कि तू डराती लिया और मैं घर जा रही थी, तो मम्मी ने बोला कि घर क्यों जाना, माता जी वाले यहीं पे रखते हैं पहले से, सभी को पता होगा मुझे लगता है कि माता ना हमें से डराती यहीं पे रखती है इस दरवाजे पे लगा के, तो हमें जब भी ज़रूरत होती है हम यहाँ से ले लेते हैं और फिर दोबारा यहीं पर रख देते हैं। और माचिस भी वहीं है, ले लेते हैं हम कभी भी, माता जी नहीं बोलते हमें कुछ। भिंडी काटनी है मम्मी ने ससुराल के लिए। ये हुई सब्जी, मम्मी कल तो 3 है वो आ रही, ये तो 2 ही तो आ रहे थे। अच्छा तो गाइज ये सब्जी इकट्ठी हो गई हमारे लिए। चल मम्मी 2 बनी यानी कि 1 बननी थी। चलो मम्मी ये रास्ता भी करना साफ तू। पतीलू जिसमें हम माता जी की भैंस के लिए भाड़ा लेके आए थे वो पतीलू है ये। वो कितना सारा घा कुछ क्यों गलाई होना माता गलाई होना बढ़ने। बहन जी हो गई पैकिंग, क्या कर रहे हो? मैंने ना कुर्ती तैयार कर दी, आप मुझे ना पैसे दे देना इसके। ठीक है, कितने लोगे? 1000। ठीक है, और गाइस बहन जी आपने गिलास भी यहीं रखा है। गाइस बहन जी ने ना पहले ये मशीन ठीक की क्योंकि परसों 2-3 दिन पहले ठीक थी और जब हमने ये बंद कर दी ना 1 दिन नहीं चलाई तो फिर से ख़राब हो गई, और बहन जी ने पहले ठीक किया इसे फिर उसके बाद एक कुर्ती लूज़ की, और ये खलारा पड़ा हुआ है। पैकिंग तो की नहीं हमने अभी, कब करनी? पैकिंग ही करनी हूँ मैडम है। तो गाइज अभी पैकिंग भी करनी है क्योंकि आज ससुराल जाना है। वहाँ जाके दिखा, अंधेरे में कहाँ दिखेगी मेरे को, बुला दो। चल की बहन जी बोल रहे हैं कि मुझे मेहंदी लगाओ ये बात। क्योंकि मैंने कभी भी ना राइट हैंड में मेहंदी नहीं लगाई,
इसलिए क्या मतलब राइट हैंड च खब्बे से मैं भी लगा लेनी तो मैं केड़े च लगाई सुन सीधे च लगानी फिर मैं तेरे सज्जे च लगा देंगी मैं के भी लगा ले दूं इतना शट अप गाइस पैकिंग हमारी हो गई ना यहाँ रख दिया सामान अभी भी आधा सामान रह गया तो बहन जी ने बोला जब हम जाने लगेंगे ना 10-15 मिनट बचेंगे हमारी बस आने के लिए तब लड़ाई करते करते पैक करेंगे आधा सामान और बहन जी बोल रहे हैं कि मेहंदी लगा दो वैसे मेरा मन है नहीं मेहंदी लगाने का लेकिन लगा देती हूँ मैंने कभी भी ना राइट हैंड में मेहंदी नहीं लगाई सच्चे हाथ लगाने का जो है दस तो मुझे पहले बड़ बड़ चाह करी कहाँ सच्चे हाथ मेहंदी लगाने का और मम्मी ने भी लगानी है लेकिन मम्मी बोल रहे हैं कि अभी नहीं मुझे खाना है बनाने के लिए लंच बनाने जा रहे हैं मम्मी और सजना लगाएंगे सजना लगा देगी वो लगा लेती है मेहंदी तो चलो लगा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे बहन जी दिखाओ मेहंदी और मम्मी हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई कब से वेट कर रही है ये पी लो आप फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए जाऊंगी आप क्या देख रहे हो खतरों के खिलाड़ी बहन जी मैं आड़ी नहीं पीनी मैं वाली पीनी वाली पीनी मैं पकड़ो अच्छा मेरा भी आई जा ये हो रहा है कोई जो पहले आता था वो वाला नहीं है गाइस मम्मी को पता है हमें बर्गर पसंद है ये वाला तो मैं तो सो गई थी वेट करते करते और मम्मी ने ले लिया केड़ा सोना तो गाइस हम जाने के लिए तैयार हो गए और टाइम ना 5 बजे सवा 5 बजे हमारी बस भी है और हमने सोचा कि इस बार कपड़े नहीं होंगे सिलने के लिए लेकिन हुए हैं इस बार भी आधे कपड़े छोड़ दिए हमने वो मम्मी लेकर आएंगे आ जाओ सही ना जल्दी चलो चलते हैं और हमें छोड़ने ना सही ना जा रहे हैं मम्मी नहीं जा रही है हाँ ऊपर जो मंदिर है ना हमारा वहाँ तक और मेरी मेहंदी बहन जी आप भी दिखाओ नज़दीक से चलो तो मम तेरे पिंक चपड़ी चल पकड़ी नहीं हाय के मतलब लास्ट
गाइस आपने ये जो पीछे अम्मा देखी ना, वो अनवीनी है हमारे ससुराल में, उनके मम्मी के नानी लगे वो। हाँ मम्मी की, हाँ अनवी की मम्मी की नानी है वो। यहाँ है अनवी की मम्मी के मामे। छोड़े चलो बस चली जाना, सरकारी आई 5 मिनट बाद। हाँ शिमला छे बजे मिंजो का बड़ा पहले तो नहीं बनाए। मेरे 150 चने मन करती 100 ही गाइस हम बस स्टॉप पर पहुंच गए ना, और अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। एक बस तो चली गई और दूसरी अभी आएगी। ये दोनों इतनी आलसी है ना, जल्दी जल्दी चलती नहीं है, इनकी वजह से बस से छूट गई। ऊपर से दुकान में इतना टाइम लगा रही थी सामान लेने के लिए, फिर से दूसरी छूट जाते। ये तारीफ करनी चाहिए ना। चलो तो गाइस हम ना बुआ जी के घर जाते हैं, सामान भारी है। और ज्योति गाँव तो नहीं चली रही, क्या पता दिखने लगना पता जीमू। बुआ कोई, अच्छा बुआ बुआ भी गोड हो गया। बहन जी पानी पी लो, खुद ही आई नहीं है बुआ। पता नहीं वो बुआ के देवरानी, बुआ जी शायद गोड चले गए, और भाभी और ज्योति भी खाली आना कि चल पैना गोड गए रहे। अच्छा अबुआ चली आए क्या हूं गा गूजो। हो बे ही नहीं होता किश की बहना दसे रही नहीं आ। अम्मे दसे भी होंगे भाबे तो चारा मैंने दसे रहना। अच्छा हाँ अच्छा बस हूँ पुजे। अच्छा तो गाइस मिल लिए हम बुआ जी से, और बुआ जी अब ठीक है, उनका पैर ठीक है जो सांप के कांटे लगे थे। और अभी हम ना जा रहे हैं घर, हमें छोड़ने ना भाभी और ज्योति जा रहे हैं, और आते टाइम ना ये गोड़ भी जाकर आएंगे, भैंस भी वहाँ से आएंगे, दो काम हो गए। हाँ खरा गोड भी खो रखने मिली लें कने बिल्कुल। जो ते आपने बना रहे हो ब्लॉग? नहीं बना दी मैं। अच्छा बना दी दीदी, बड़ी मस्त हो जाओगी। क्या बोल रहे ना, क्या होने वाली, क्या मस्त कुछ नहीं। कैमरा बंद होने के बाद चलो चलने भी पुजाना है। शाबाश। तो YouTube फैमिली शाम के 7 बज गए, और हम पहुंच गए अपने ससुराल, और
भाभी जी और ज्योति ना हमें छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पे, और अभी ना हम इनके साथ गप्पे लड़ा रहे हैं कब से, काफ़ी देर से, आधा आधा कर घंटा हो गया। और गाइस हम सोच रहे हैं ना कि इस ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं, है ना बहन जी, कर हाँ, देना बहन जी कर दो। तो गाइस आपने कमेंट करके बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय भाभी जी।